أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد الحامد المحمود الواصل إلى ما لا وعد محدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد بالقاسم محمد. المعصومين المظلومين لا سيما على ابراهيمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عرضه ولقائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والمعصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين ابي الحسنين علي بن ابي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. मारिफत की बुनियाद पर नजात है ना कि अमल की बुनियाद पर, क्योंकि अमल के लिए ये मिला बालिग और आखिर हो जाने के बाद नमाज वाजिब होती है। इत्तेफाक से ये ऐसी हदीस है जिसको हर मुब्तदी जाकिर भी बहुत वाकिफ है। वो जब बरसरे मिंबर वाज देता है ठीक करता है। देखें फरवादीन की अहम तरीन फराह नमाज है, और नमाज के ताल्लुक से ही मिला कि अगर कोई नमाज को तर्क कर दे तो कुफर की मौत मन तरका सलात मुतअम्मदन फ़क़त कफर। एक वक्त की नमाज को अगर अमदन तर्क कर दे तो वो काफिर हो जाए। चुनाचे मुसलसल यही दर्ज दिया जाता है। ये भी बताते चलें कि फ़वादीन की इतनी फराह है, मगर ये कि सिर्फ नमाज के लिए क्यों कहा गया मन तरका सलात मुतअम्मदन फ़क़त कफर। फिर ये भी बताते हुए चले कि जब नमाज की इतनी अहमियत है तो खुदावंद आलम 15 बरस के बाद क्यों वाजिब बता रहे हैं। बच्चा 15 बरस में ख़त्म रखता है तो वो नमाज पढ़ेगा, 15 बरस का हो गया, मगर ये कि आखिर नहीं है
तब भी नमाज उस पर अभी वाजिब नहीं हुई। कमाल है, नमाज वाजिब है अपने मुकाम पर, मगर ये कि जिस पर नमाज को वाजिब किया गया है वो अभी आखिर नहीं हुआ। जब आखिर नहीं हुआ तो नमाज नहीं पढ़ सकता, और जहाँ आखिर की ख्वाहिश है उसके साथ साथ बुलूग की भी ख्वाहिश तय, ये भी तय करना चाहिए कि बालिग कहते किसको है, बालिग का इतलाक किस पर होता है, मगर बास मुसलसल जारी है। कमाल है, यानी जो पहली चीज़ है उसको तर्क कर दिया, बाद वाली के लिए ये कहा जा रहा है कि नहीं अमल ज़रूरी है, और अमल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मारिफत नहीं। मारिफत की बुनियाद पर अमल है, जैसे कि इल्म बढ़ता है पर बिना मारिफत, मारिफत की बुनियाद पर तदरीजन इल्म बढ़ता जाता है, और अगर मारिफत नहीं है तो इल्म अपने मुकाम पर है, मगर ये कि आप में कमाल पैदा नहीं, और वजूद इंसानी में मुतालबा अक्ल इल्म है, अक्ल इल्म का मुतालबा कर, और जो अक्ल के इल्म को हासिल कर ले अब वो बाइज्जत हुआ, बाशरफ हुआ, काबिल तज़ीम हुआ। चला अक्ल है मगर इल्म मफकूद है, इल्म नहीं है तो ऐसे इंसान की ताज़ीम भी नहीं की जाएगी। दुरूद का तोहफा चनाचा तमीदन के चंद कलमात खादिम ने पेश किए थे, जिक्र का आगाज करने के लिए मैंने इन चंद कलमात को सहारा बनाया। इस बात पर गौर करना चाहिए कि कमाल अक्ल क्या है, कमाल अक्ल जैसे कमाल इंसानी तीन हिस्सों में मुनकसिम है। ये कहा गया एतकाद, कौल, अमल, ये कमाल इंसानी के लिए पहली मंजिल में एतकाद, एतकाद है दूसरी मंजिल में कौल। जब एतकाद और खौल की मंजिल से गुजर जाएंगे तो अब अमल है, तीसरी मंजिल अमल है। एतकाद का ताल्लुक खल्ब से है, खौल का ताल्लुक जबान से है, अमल का ताल्लुक आज़ा जवारे से है। जब ये तमाम तीनों चीज़ें किसी इंसान में पाई जाती हैं तो वही इंसान को बाकमाल कहा जाता है, मगर ये तयशुदा बात है कि पहली मंजिल खल्ब है, खल्ब है, खल्ब है। मुतालिब है खल्ब, तवल्ला तबर्रा। तो मासूम से पूछा गया मौला दीन क्या है, हुब और बुग्ज़ के अलावा भी कुछ दीन है, हुब और बुग्ज़ का ताल्लुक किसी अज़ूए इंसानी से नहीं है, हाथ से नहीं है, कदम से नहीं है, किसी हिरसे से नहीं है, और अगर है तो खल्ब से। तो पता चला दीनदार पस वही है जो तवल्ला और तबर्रा, तवल्ला और तबर्रा नहीं है मगर ये कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात वगैरह वगैरह है, ये तमाम की तमाम चीज़ें रायगा जाने वाली है। तो खुदाबंद आलम ने दीन को उसी मुकाम पर रखा है जिसको इमाम कर, दुरूद का तोहफा पेश कर रहा हूँ। इंसान को बाकमाल बनाने के लिए खुदावंद आलम ने एतकाद का जो ताल्लुक खल्ब से है तो कहा खुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल खुल्बा। देखो अखरबाए पैगम्बर इस्लाम से मुवद्दत कर लो क्योंकि इसका ताल्लुक एतकाद से है, अकीदा नमाज पर अकीदा बात की बात, पहले अखरबाए पैगम्बर इस्लाम से मुवद्दत करना चाहिए, मुवद्दत का ताल्लुक
तो पहली मंजिल में आए मोहब्बत देता है, जो सबसे आखिर में ऐलान हुआ वो पहले हो रहा है। मुतालबे मोहब्बत कब है? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जी नहीं, और हर जाकिर कहता है ये पैगंबर इस्लाम अव्वल अव्वल कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बदल दी नहीं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू के साथ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फला पा जाओ। तो फला कैसे? यही पैगंबर इस्लाम, यही पैगंबर इस्लाम जो तोहफे का वाली थे। अली वली ने कहा खद अफ्रहुल मोमिनून, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ लफ्ज मोमिन का इस्तेमाल हुआ है, मुस्लिम का इस्तेमाल नहीं है। क्यों मुस्लिम का इस्तेमाल नहीं है? खुदा जब चाहता है कि मैं किसी से बात करूँ तो मोमिन से बात करता है, मुस्लिम से बात नहीं करता है। अली वली ने भी चाहा कि मुस्लिम से बात करूँ मोमिन से बात करूँ तो मोमिनीन फला पा गए। बिला फसल पर हमारे इस्लाम ने कहा बेका या अली, बेका या अली। अब ये गौर करें कि वो बेका या अली कौन है? जब तोहफे काबा से बाहर आया तो कहने लगा अना ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कहो खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, दुरूद का तोहफा पेश करो। तमाम हज़रात बखूबी वाकिफ हैं, इस पर गुफ्तगु करना मकसद नहीं है, मगर जिक्र करना लाजमी समझता हूँ। जैसे जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अजान दी जाती है, खामा दी जाती है, जब अजान और खामा है तो अजान और खामा में कहा जाता है हय्या अलल फला, हय्या अलल फला, क्या कहा जाता है? फला हय्या अला खैरिल अमल, इन तीनों मकामात पर लफ्ज़े हय्याला है। आओ दावत दी जा रही है, काहे की दावत है? सलात फलाह खैरिल अमल। अज़ान देने वाले ये बताएं हय्याला फलाह से मुराद क्या है? नमाज की तो दुहाई दे रहे हैं, नमाज पढ़े नमाज पढ़े, पर हय्याला फलाह बताओ, हय्याला फला क्या है? हय्याल फला किसके सबब फला है? बगैर अली फला नहीं है। तो पता चला अजान में जो हय्याल फला है इससे मुराद है अली अल वलीउल्लाह। वापिस करें मोहम्मद वाले से अल्लाह अकबर से अगर अजान का आगाज करूं तो इसी पर खादिम गुफ्तगू कर सकता है, मगर ये तो सब नमाजी बैठे हैं, यकीनन अरकान नमाज से वाकिफ है, अरकान खामा से वाकिफ है, अरकान नमाज से वाकिफ है, अजान हो या खामा हो या नमाज हो उससे बखूबी वाकिफ है। लोग समझते हैं कि अल्लाह अकबर से मुराद अल्लाह है, अल्लाह अकबर से मुराद अल्लाह है। याद रखो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक के ये अल्लाह अकबर दरे अली पर ना रुके। पहले दरे अली पर अल्लाह अकबर को ठहराओ, उस अल्लाह अकबर से कहो या ख्याम करें। क्या कह रहा है खादिम गौर फरमाए, जब मुकम्मल बेदार होंगे जिक्र होगा वरना इसी तरह का होगा। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम अल्लाह को देखकर अल्लाह अकबर नहीं बोले। ख्याल है जी मेरा, अगर पैगंबर इस्लाम अल्लाह को देखकर अल्लाह अकबर बोले तो वो तो मखलूक हो जाए, मखलूक हो जाए, मखलूक हो जाए। तो पता चला जो हद निगाह में आए उस पर इतना के मखलूक, मगर ये देखा जा रहा है कि पैगंबर इस्लाम मेराज में अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर के माने बताओ क्या है? अल्लाह अकबर नमाजियों, नमाज का वास करने वालों, ये तो समझाओ मुझे कि अल्लाह अकबर क्या है और
अजान में बड़ा अल्लाह अकबर है, खामा में छोटा है, ये भी है। जब अजान में अल्लाह अकबर कहा जाता है, अल्लाह पूरी सांस टूटे तक अल्लाह है, और जब खामा के लिए आते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह छोटा हो गया, देखो बड़ा अल्लाह कौन है, छोटा अल्लाह कौन है, वो सही है या सही है भाई, ये तो समझाओ। क्योंकि वहां पर भी अलीफ मकसूरा है, यहाँ पर भी अलीफ मकसूरा है, वहां भी मत नहीं है, यहाँ भी मत नहीं है। अगर अगर वहां मत होता तो अल्लाह तीन अलीफ की आवाज निकालते, वहां तो अलीफ मकसूरा है, पर अखामा में भी जब अल्लाह अकबर आया तो वही अलीफ मकसूरा को लेकर आया, फिर वहां पर सांस टूटने तक है, दम टूटने तक, अल्लाह अकबर चार चार चम कमाल ये है। अल्लाह अकबर अल्लाह पहला छोटा बाद में बड़ा, अजाम में भी पहला अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे वो मौजिन ये तो बता, वो पहली बार जो अल्लाह अकबर बोला वो सही है या बाद वाला सही है? अब जिसकी अजान सही नहीं नमाज क्या सही है? जो आज तक अल्लाह अकबर नहीं समझे, ये तक नहीं जाने कि अल्लाह की जो आवाज है वो कितनी निकाले, हाँ तक ज्यादा बड़ी आवाज नहीं, नहीं अल्लाह अकबर जबर भी नहीं है, अलिफ मकसूरा, जो अलिफ मकसूरा की आवाज होती इतनी निकाले, इतना जुमला सुन ले अल्लाहो अकबर। पैगंबर इस्लाम ने मेराज में कहा, कहाँ कहा? मेराज में कहा अल्लाहो अकबर। क्यों कहा पैगंबर इस्लाम ने अल्लाहो अकबर? वजह क्या थी? अल्लाह को देखकर नहीं, दिख जाए तो अल्लाह नहीं, दिख जाए तो अल्लाह नहीं है। और इत्तेफाक की बात यह कि जिस वक्त खुदा बंदे आलम अली को दिखा रहा था उस वक्त भी नहीं बोले, उस वक्त भी नहीं बोले, कम से कम उस वक्त कहते हैं अल्लाह अकबर नहीं, बल्कि अली कह रहे हैं। कौन है? अली है, अली है। जैसे ही नबुवत पर हिजाब आया, जैसे ही नबुवत पर हिजाब आया तो आप कहने लगे अल्लाह अकबर। क्या कह दिए? अल्लाह अकबर। मुनज़्ज़ा मिन सिफाति मखलूक को अकबर कहते हैं। चोर बट्टेबाज लोग, नाम नया शिया चोर बट्टेबाज, हमसे कहते हैं अखबारी नमाजें पढ़ते, हम नमाजें पढ़ते, कमाल है, हम और नमाज नहीं पढ़ते, और हम जैसी नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं तुम जिना करते हैं, इसी तरह के जुमले आएंगे। हाँ नासिबी की नमाज क्या है? तो नमाज पढ़े यार, हदीस है, कोई मुश्तहिद का खौल नहीं है, कोई मुफ्ती का खौल नहीं है, हदीस पेश कर रहा हूँ मैं, ये है जबान नहीं निकालना, जबान नहीं कतरना, तो कह रहा हूँ कबूल करना, क्यों कौन मासूम है, कबूल करना है, ऐन शराफत है, कबूल करने में शराफत है, और अगर कबूल न करें हैरत ज़दा होंगे, तो फिर यहाँ से वो गए बाद में, पहले यहाँ सुनना पड़ेगा, फिर हमारे लबो लहजे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ, अली का मामला है, अल्लाह का नहीं है, अली के मामले में कोई कंसेशन नहीं है, हम पर अल्लाह के मामले में कंसेशन है, क्योंकि वो खुद कर रहा है मेरी इताअत नहीं चलेगा, खुदा खुद कर रहा है मेरी इताअत अगर नहीं चलेगा तब उसकी इताअत नहीं चलने वाला है, चलने वाला है। जब इत्तेफाक की बात यह है, एक जानिब कह रहा है अगर कोई मेरा नाफरमान फिर कुरान में क्यों कह रहा है अतीउल्लाह, समझाओ भाई, कुरान है अतीउल्लाह वातीउ रसूल वाउलुल अम्रे मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र की इताअत करो,
जी एक जानी करे, अगर कोई मेरा नाफरमान है अली का मुती है यानी अली की इताअत करना उसकी नाफरमानी, अगर आप जन्नत में दाखिल करो, और अगर कोई मेरी इताअत करता है और अली का नाफरमान है, चाहे नाम के कुरान में तीन लाख हो या चलो यही आज समझा दो। ये अतीउल्लाह क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला धीमी धीमी आवाज की मजलिस में पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, सुन बात आ गई है। जहां जहां कुरान में अल्लाह कहा गया है हदीस में उससे मुराद है वलीउल्लाह। क्या है उससे मुराद है? अब पढ़ो वतीउल्लाह कर दिया मसला। क्या कह रहा जहां जहां हदीस है, हदीस है जहां भी लफ्ज अल्लाह है तो उससे मुराद है अल्लाह। वलीउल्लाह नहीं है, अल्लाह वलीउल्लाह नहीं है, रसूल अल्लाह वलीउल्लाह नहीं है, रसूल अल्लाह वलीउल्लाह नहीं है। अलियन जिसको कुरान में अल्लाह अल्लाह कहता है, आपकी जुबान में जो वलीउल्लाह है अल्लाह की जुबान में वो अल्लाह है। तो मेरा अली कह रहा है अगर कोई मेरा मुबादना अल्लाह से करे तो मैं ये क्यों हुआ उससे बर्तर हूं, बिल्कुल नहीं बात पेश कर रहा है खातिम। कुरान में जहां लफ्ज अल्लाह मिले उससे मुराद है वलीउल्लाह। आपकी जुबान में है वलीउल्लाह, आपकी जुबान आप अकीदा रखना वलीउल्लाह का। अल्लाह कहेगा अल्लाह, और जब मवादना होगा, जब मवादना होगा तो अली वली कह रहे हैं अगर कोई मेरा मवादना अल्लाह से करे मैं उनसे क्यों कह रहे अली वली? वजह क्या है कहने की है? मैं कभी अल्लाह हो जाऊं, कभी वलीउल्लाह हो जाऊं, कभी अल्लाह तो कभी वलीउल्लाह, ये लफ्ज मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे, मेरा मुबादना करे मैं बताऊं उससे बर्तर हूं, उससे अफजल हूं, उससे अफजल हूं, बर्तर हूं, क्योंकि वलीउल्लाह का जाहिर उबूदियत होता है। हाय 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 दुरुद का वापस करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर पता है, अल्लाह अकबर कौन कह रहे हैं? पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं अल्लाह अकबर। अकबर कहते हैं मुनज़्ज़ह मिन सिफ़ातिल मख़लूक़। या अल्लाह कौन कह रहे हैं? रसूल। या अल्लाह मैं तुझे अर्ज पर छोड़कर आया अपने मुकाम पर,
पर अरे मखलूक के मुकाम पर अपनी नियामत के लिए छोड़कर अपने मुकाम पर छोड़कर आया। अल्लाह अकबर, तू मुनज़्ज़म मिन सिफ़ातिल मखलूक है या अली, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया को किताबों में तलाश करेंगे। साले बाबुल यकीन ने बरसरे मेंबर कह दिया कि रसूल अल्लाह अली का शुक्रिया अदा करें, ये कहां लिखा हुआ है? लुगत इश्क में है बेटा, अगर तेरे पास है तो पढ़। हाँ मर याद रख, लुगत इश्क लाइब्रेरियों में नहीं रहती, लुगत इश्क लाइब्रेरी में नहीं मिलती, कुतुब खानों में नहीं मिलती। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में तलाश मत करो, कुतुब इश्क दिल में रहती है, दिल में रहती है। यहाँ यहाँ पढ़ो, इस किताब को पढ़ो तो मिल जाएगा। दुरुस्त तोहफा पेश करें। अब ये बताओ, अल्लाह अकबर तो हुआ, इसी पे गुफ्तगू करना तो कुछ और था। खैर चले, अशहदु अन किसके लिए है ये? अना ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगंबर इस्लाम गवाही दे रहे हैं। ये तयशुदा बात है कि वहां पर मखलूक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भी तयशुदा बात है, अली को दिखाया गया, अली को दिखाया गया, पैगंबर पर हिजाब आया। जैसे हिजाब आया, अल्लाह अकबर हो गया। अल्लाह अकबर के बात करें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन है ये? मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि नहीं है कोई अल्लाह सिवाय तेरे जो बुलाया। वो ऐसा के बैठता नहीं, हाय हाय हाय। मगर मगर ये देखा गया, बुलाया, मिला, खदम वाला अल्लाह भाई, ये मिला कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम की मेराज हुई है तो हिजाब था, हिजाब के बाहर खदम था, हिजाब के बाहर खदम था, तो पैगंबर इस्लाम का नहीं था। वो किसका खत्म था? अल्लाह खत्म रखता नहीं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। मेरा मकसद नहीं है कि आप अली ही को अल्लाह माने, मेरा मकसद है कि आप अल्लाह ही को अली माने। बड़े अजीब लोग हैं भाई आप, बड़े अजीब और गरीब लोग हैं। जब जोशन कबीर में अस्मा इलाहिया की तिलावत करते हैं और जब ये आली मिले तो इससे मुराद अल्लाह है, तो फिर अल्लाह है ना, बाकी रहो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अली को अल्लाह मनवाने नहीं आया, अल्लाह को अली मानना। तो वापिस करे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही देता हूं नहीं है कोई, नहीं है सिवाय जो बुलाया, नहीं है कोई अल्लाह सिवाय उसके
जो बिल्कुल शफा बात किया, नहीं है कोई अल्लाह सिवाय उसके जो हुक्म है बलाए। कहा का खादी मर्ज कर वही है अल्लाह। तो क्या बात थी भाई, मेरा आदमी जाने के बाद आप बड़ी अजीब गरीब शहादत देते हैं भी, कैसे ये कैसे वो कहना होगा मेरा अली करा है अना शाहिद हो गया अना शाहिद अनल मशहूद गवाही देने वाला और जिनकी गवाही दी शाहिद भी मैं हूँ मशहूर भी मैं हूँ याली उस वक्त तो आप गवाही नहीं दे रहे हैं रसूल खुदा गवाही दे रहे हैं चाहे मशहूर मान लेंगे मगर अगर शाहिद कहते अगर शाहिद अगर शाहिद न कहता तो मैं खुदा की कसम मैं ही मशहूर हो जाता यानी बात बात नहीं हुई अरे शाहिद कैसे एक मरतबा अली ये वली ने कहा तू जिसका कलमा पढ़ा है वही कह रहा है बोल रहा है टिपिकल सवाल आता है क्योंकि टिपिकल बच्चा है टिपिकल मौलवी है टिपिकल सवाल कर रहा है पूछ रहा है इल्लत कब से खादिम कर रहा है बड़ा टिपिकल सवाल है बच्चा पैदा होने के बाद कह रहा है पापा कब से मम्मी आप कब से हैं मम्मी अगर मैं ना होती तो तेरा जन्म नहीं होता और तेरा बाप ना होता तो मेरा जन्म इसको काफी जान लो बहुत है ये काफी जानो उसके बाप का जो जुमला आ रहा है वाला है उसके लिए मैंने भी सर्दी उसके लिए सर्दी है خلق بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال ان سے رسول کی رسالت کے لیے واہ رسول کی رسالت کے لیے دو شاہد آ رہے ہیں شاہد نہیں تو شہید آ رہے ہیں خدا کرے ایک تو میں دوسرے جو علم کتاب ہے وہ دو آ رہے ہیں یاد رکھو گواہی وہی دے سکتا ہے جو مقام واردات پر پہلے ہو پہلے ہو لا لا
ये कब से अल्लाह आप हजरत चाहते हैं मैं खुल कर पढ़ूं, खोल कर बयान करूं, मगर आप नहीं खुलना चाहते। कब तक ये कली रहेंगे? कली का हुस्न खुलने से है। जब फूल खुलता है तो हुस्न पैदा होता है, फूल खुलता है तो हुस्न पैदा होता है। कली कली ही है, खुल जाए तो पता चलेगा उसमें कितने पत्तियां सिमटे हुए है। एक है अपने बातिन में चौदह रखी है, जाहिर एक हो रहा है, किसी को आलम में हू करके है। अल्लाह खुदा जो खजाना छुपा कर रखा था वो चौदह पत्तियां थे। फूल खुदा है, कली खुदा है, कली खुदा है। अरे फूल जब खुलता है तो फूल का कलमा पढ़ा जाता है, वरना कली बोलना पड़ेगा। अल्लाह दुरुस्त को खामिश करे और इत्तेफाक की बात यह, कली जब खुलती है हर पत्ती एक ही वजह की है। अव्वल भी वैसा ही है जैसा के आखिर है, औसत है, कुल के कुल वैसी है। क्यों? सनदगरी करने वाला अल्लाह है, सनदगरी करने वाला अल्लाह है। एक था जब सनदगरी किया है, बातिन में चौदह को छुपा कर रखा है। बातिन में अगर लफ्ज़ों की खतर करो, अगर पैगंबर इस्लाम अव्वल मोहम्मद आखिर मोहम्मद औसत मोहम्मद कुल मोहम्मद न कहते तो बातिन खुदा में ना रहते। नहीं आप जोर नहीं देंगे, करें क्या? इस जिक्र में एक विजदानी करते हम लोग मुझे देखकर देखो दीवानी हरकत, पागल है आप, क्या है सुड़ी सुड़ी है, जानते नहीं ये जिक्र का क्या नतीजा है। इस जिक्र में विजदानी कैसे अली 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 बहुत चलो अली 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 एक मंजिल ऐसी आएगी विजदानी कैसे, जब विजदानी कैसे पैदा होगी तो अली हटकर हो क्या आलम में चला गया। अब और महबूब के दरमियान कोई नहीं रहता, कैसे तारी होती है इसमें अली से। सवाल कर रहे हैं हमसे अली अन वलीउल्लाह कब से, तो बाकर हरामी बच्चे क्या कह रहा हूं, तो बाकर कल की तो हदीस उन्होंने पेश की थी। सलमान क्या बोले सलमान रसूलुल्लाह से, या रसूल अल्लाह किसी मजमे में हम पहुंचते हैं
अल्लाह के दुश्मन होते हैं, मगर हम जब जिक्र खुदा करते हैं तो इजहार दुश्मनी नहीं, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते इजहार दुश्मनी। फिर रसूल खुदा के दुश्मन है, जब रसूल खुदा का जिक्र करते हैं तो भी इजहार नहीं होता, मगर या रसूल या रसूल सलमान पूछ रहा है मिन्ना की बाबुल्लाह फिल अर्श जो अर्श का अल्लाह है उसका दर है, वो आप तलाश करो भाई कौन है। मेरा काम है जिक्र करना, मैं जिक्र कर दिया बाबुल्लाह फिल अर्श है। चुनाचे रसूलल्लाह जब हम जिक्र अली करते हैं, जब हम जिक्र अली करते हैं तो दुश्मन अपनी दुश्मनी को नहीं छुपा सकता। बड़ा अच्छा सवाल किया, प्यारा सवाल किया, खूबसूरत सवाल किया। ये नहीं पूछा कि जोहर की चार रकअत क्यों है, अच्छा सवाल, ये काम में आने वाला नमाज के ताल्लुक से नहीं, रोजे के ताल्लुक से नहीं, हज के किसी ताल्लुक से नहीं, सलमान जानता है और अपनी अकल को हुज्जत न मानकर पूछ रहा है। यहाँ पूछो जो मिन्ना की सनद रखता वो मुश्ताहिद नहीं है, मिन्ना की सनद रखने वाला अपने आप को आलम दौरा नहीं बोला, आयतुल्लाह उज़्मा नहीं बोला, मिन्ना की सनद रखने वाला सलमान अपने आप को मुस्तहिदुल असर व जमान ने बोला, अलमान 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 अलफीज अलफीज अलफीज, मुस्तहिद को देखते ही अलमान की तस्वीर पढ़ना, अलमान अलमान अलफीज अलफीज, क्या ला बचा इसे, क्या ला बचा, क्या ला शैतान मिल गया, क्या ला बचा नहीं है, खामोश क्यों बैठे, मुस्तहिदीन के फॉलोअर है क्या? अब वाला मन खासा फहुआ सबसे पहले ख्यास करने वाला इब्लीस, उनकी नस्ल है वो, बांझ था शैतान, लावल था बांझ था, औलाद नहीं है, है उनकी औलाद, और उनकी औलाद जितने वलायत के खिलाफ फतवा देते हैं शैतान की औलाद है, मातम के खिलाफ जो भी फतवा दे रहे हैं शैतान की नाजायज औलाद है, इनकी इनकी मम्मी शैतान से शादी कर रखे, जिससे शैतान से शादी कर रहे थे तो मुश्ताहिद आजम पैदा हो पायल, वो भी कैसे पैदा हो रहा है, पायल कह रहा है खलुचत, बच्चे शायद नावाकिफ है, पायल इससे नावाकिफ है, मैं बताऊं पायल किसको कहते हैं, देखें जब बच्चा पैदा होता है तो सर से रहता है, सर से, मगर बाद बच्चे ऐसे होते हैं इब्लीस बहुत शरीक होते हैं, माँ को तकलीफ देते हैं, तो वो बच्चे पैर से जाहिर होते हैं, जब पैर से जाहिर होते हैं तो माँ को तकलीफ होती है, तो उसको पायल कहते हैं, तो जितने ये मुश्ताहिद है पायल से, पहले सर ने निकाले पैर, इसीलिए तो यहाँ पैर फैला रहे, दुरूद पढ़ दो, किताब कैसा पढ़ेंगे, अगर किताब पढ़े
तो बाबे इश्तियाक नहीं खुलता। खामोशी। अब सुनो, अब उसकी अखबारी करो, सिर्फ इश्तिहार पूछता है। कब खुलता है बाबे इश्तिहार? बाबे बाबे दिल में तारीफ रही, मासूम करें जो हमारे दर से निकले वो इल्म है। इनका कहना है कि जब बाबे इल्म यानी मासूम जब इल्म देना बंद कर देंगे, वासिब हमारी जबान खैची की तरह चलेगी। हमारी जबान खैची की तरह चलेगी। बाबे इल्म के बंद करने से बाबे इश्तिहार खुलता है। वो अलीम बसीर था, जानता था। खुदा ने कहा जब मैं किसी को सलील करना चाहता हूं तो उसके लिए बाबे इल्म बंद करता हूं। तुम्हारी क्या बदनसीबी है बेटे, सलील लोगों की तकलीफ कर रहे। वो जलालत से हम निकालना चाह रहे हैं, तो आप हमको दुश्मन समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं जलील लोगों में फंस गए आप, जलील लोगों में फंस गए। जलील कैसा? अल्लाह जब मैं किसी को जलील करना चाहता हूँ उसके लिए बाबे इल्म बंद कर देता हूँ। और जैसे बाबे इल्म बंद होता है तो मुश्ताहिद का बकवास शुरू होती है। भोंकना भोंकना खाली जता कुत्ते की तरह भोंकना बताया। जो भोगता है कुछ मारने रहते हैं उसमें, न मारना न मतालीब। जब ना मारना है ना मतालीब है तो मातर मुफ्ती मातर फतह। मैं मर गया तो मेरे भोगने को माफ कर दो। तो ये मसाइल क्या है? खारी ज़दा कुत्ते की किताब। आप हज़रत की खामोशी मुझे डर लाई। मैं सीधे सीधे पढ़ रहा था। क्यों क्यों कह रहा हूं उसको भोंकना? उसमें लिखता है कि अलियन वलीउल्लाह अजान का जुज़नी है। अलियन वलीउल्लाह से अल्लाह अकबर ज़ाहिर हो बच्चे। अलियन वलीउल्लाह से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अलियन वलीउल्लाह से अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अपने अली को लेकर हट जाएंगे, हम लेकर हट जाएंगे अपने अली को। अली को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह को छोड़ सकते हैं? अली को नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये देखना है क्या अल्लाह अली को छोड़ सकता है? अब बताओ आपके हमारे पास कौन रहे? कौन रहे? अली और अल्लाह। अल्लाह अली, अली अल्लाह, दो रह गए बस। अली अल्लाह, अल्लाह अली, अल्लाह अली, अली अल्लाह, अली अल्लाह, अल्लाह अली, अली अल्लाह, अल्लाह अली। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। पर बहरा जो भी समझ रहे हैं बेहतर समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। बड़ा बाफहम मजमा है। खुदा सलामत रखे आप हजरात को, खुदा आबादो शाद रखे आप हजरात को। इसी तरह समझो अच्छा ये बताओ अल्लाह का जो नाम अल्लाह है उस वक्त अल्लाह का नाम अली था या नहीं? ये कौन है भाई? अल्लाह का नाम अल्लाह था तो अली था, था अली का नाम। जब अली था तो वो अल्लाह नहीं था, था मगर बोला नहीं जा सकता। उस वक्त तक नहीं बोला गया जब अल्लाह अल्लाह को नहीं अली को जाहिर किया। अली को जाहिर करने से अल्लाह बोला गया। अल्लाह अल्लाह को जाहिर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अल्लाह अली को जाहिर किया। जब अल्लाह अली को जाहिर किया तो अली ने अल्लाह को जाहिर किया। जिसकी बुनियाद पर मेरा मौला कह रहा अना ज़हूरुल्लाह।
अल्लाह है तो अल्लाह अल्लाह जो जाहिर करे वो बड़ा हो गया छोटा। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है ना, नहीं है। तो जो बड़ा है तो बड़ा ही काम करेगा, छोटे काम नहीं करता। जुमला मेरे जहन में आ गया, दर्जों की खदर करना, बेदारियां लेकर सुनना। अगर ये जुमला मेरा रहेगा गया तो रखते मसायब से मत तमाम। हाँ, दो दो चार वाली बात है। दो दो अल्लाह उसको जाहिर किया जिसकी नफी नहीं, अली उसको जाहिर किया कभी नफी है तो कभी। से दस सफर को हम भूल जाते हैं, याद आने। अब ये भी शायद ये हमारे अगर रसुल्ला की राइटिंग निकली है, आबे साहब की, ये जब लिखकर भेजा तो मुझे याद आया। तो आप हजरात का फरीदा है, ये 8:30 31 नहीं 29 नहीं 8:30 अलेबैत को दावत दी गई है 8:30 अलेबैत आ जाएंगे 8:30 पर इंशाल्लाह। मजलिस का आगाज होगा, एक मिनट की कमी होगी। 10 बस्ता मारूजा है और उनके अपने दोस्त अहबाब मोमिनीन को बोले, मोमिनीन को बोले ताबूत शहजादी सकीना उठा जाएगा और अलम है बीमार करबला। मुख्तसर सी मजलिस है, सिर्फ जिक्र मसायब है। आप लोग तशरीफ लाएं इंशाल्लाह ताला। जब ये लिखे हैं तो मैं कह रहा हूँ सैयद नाज़रुल हसन खिताब करेंगे और शिरकत की दरख्वास्त खादिम करता है। दुल का तोहफा हो एक और दुरूद पढ़ दें बाबा जी। तो अल्लाह छोटा काम नहीं करता, नहीं, नहीं, नहीं। बड़ा काम करता है। सबसे बड़ा आपकी निगाह में अल्लाह है। चलिए भाई, जब अल्लाह ही बड़ा है, सबसे बड़ा काम किया, क्या किया? ऐसे को जाहिर किया किसी मंजिल में उसकी नफी नहीं। हद कर दी खुदा ने भाई, अरे हद कर दी भाई, हद कर दी भाई। टू मच है, थ्री मच है लोगों की निगाह में। हद कर दी समझाने की, हद कर दी। मुसहरी अल्लाह कर रहने दो, अल्लाह
कितने बार जला रहे हैं? अच्छा, मैं हूं तुमको जाहिर करने वाला। उस 70 बार में रोक कर कहा 120 बार आओ। कितनी देर हुई? 53 मिनट। मैं शायद भी पढ़ सकता हूँ? नहीं, यार पढ़ना। अल्लाह अकबर। खादी में मारूजा कर रहा था, नापाक बच्चे पूछ रहे हैं अली अन वलीउल्लाह कब से है। गलत सवाल है, गलत सवाल है। देखो हरचंद के जो मैं कहने जा रहा हूँ ये भी नहीं पूछना चाहिए, पर पूछना है तो इस बारे में पूछो, ये बंदों का आगाज कब से? जो हम नमाज में कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, और इनके ताल्लुक से पूछो ये कब से है? तो सवाल करना चाहिए, वो नहीं कर रहे आप, और इल्लत के बारे में सवाल करना है। इल्लत के बारे में वही बता रहे हैं रसूल खुदा। देख सलमान, देख अल्लाह का दुश्मन हलाली, मेरा दुश्मन भी हलाली, अली का दुश्मन, तो वहां पर दुश्मनी छुपाई जा सकती है। अल्लाह के बारे में मैं छुपाई जा सकती है, रसूलुल्लाह के बारे में छुपाई जा सकती है, अली के बारे में मैं नहीं। आप छुपाने की कोशिश करें, हाँ मम्मा का खून बोलता है, मम्मा का खून बोलता है, रगों में जो खून दौड़ता है। डॉक्टर के पास गए, इसके पास तबीब के पास गए, हाँ बोलिए क्या बात है, हाँ दीजिए, हाँ बोलिए बोलिए, हाथ रख रहे पूछे, बोलिए बोलिए बोलिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ क्या है? ये जो नफ्स की हरकत है इससे मर्ज पहचाना जाता है, मर्ज पहचाना जाता है, ये हरकत दौरान खून से। अच्छा, तो पता चला खून से पहचाना जाता है कौन सी बीमारी है। कैसे? खून से आपके लगों पांव में जो खून दौड़ रहा है ये मम्मी का दिया है, माँ की तरफ से है खून। किसकी तरफ से? ये जो बाल है मम्मी के हैं, खून। मगर अहम तरीन चीज खून होती है, क्या होती है? और ये जो गोश्त है मम्मी का है, अगर गोश्त चले गया तो लो ढांचे को देखो, ऐसे मालूम होगा जैसे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में मुर्दे खाने का ढांचा ला कर रखे हैं। ये कौन है? ये आयतुल्ला है। समझाने डॉक्टर समझाने, ये आयतुल्ला किसको कहते हैं आप लोग? अभी देखिए वो आगे में दौड़ा, मैं अभी भी बंदे समझा रहा, और क्लियर करिए और क्लियर करिए, क्योंकि मेरा मजहब डिफरेंट मजहब है, इनकी इनका ये शक्ल ये हाल कैसे हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा मर्ज था, उनकी हाल हो गया, इनका पूरा गोश्त छड़ गया। तो नहीं नहीं, इनको मुस्तहद आजम कहते हैं, मुस्तहद। अभी इनका काम क्या था? ये अली वलीउल्लाह के खिलाफ फतवे देते थे, खुली मातम के खिलाफ फतवे देते थे, कहते थे बिदत है बिदत है। ओ तो फिर आप लोग क्या करते हैं? हम पे लानत पड़ते हैं, सही काम हुआ। उसमें माँ की तरफ से मेरे लाल, किसकी तरफ से? माँ की तरफ से।
किसकी तरफ से? मौला सलामत रखे। फिर बोलो एक मरतबा। हाँ, पैगंबर इस्लाम ने चाहा अपने हुस्न का इजहार कर। सामने की होती है, सिर्फ समझने की, समझने की बातें हैं। तो समझ में ना है, नहीं गलत, नहीं आप गलत, आपके पापा गलत, आपकी मम्मी गलत। अब हम पूरे खानदान को नमाज दें, अब हमारे अली को क्यों बोले? बस आप जो करना है करो, अली को मत, और अली को बोलेंगे हम नहीं छोड़ने वाले। खुली बात है, यहाँ जबान साइकिल करीब है। अभी आपकी होना है या साइकिल है? बहुत तेज है मेरी जबान, अभी तबर्रा नहीं सुने। आओ नौ को आओ, कब नौ को उस वक्त बताऊंगा सब। और फिर जो बूढ़े शर्माते हैं बैठते हैं वो भी बताऊंगा। ओहो, पूरा अदब, पूरा अदब, इजहार अदब उस वक्त होता है जब तबर्रे का मौका है। खुदा रहा उस दिन मेरी रेंज में ना है। उस दिन ना है, वरना मैं ना बूढ़ा देखूंगा, ना बच्चा देखूंगा, ना जवान देखूंगा, ना अथर कुछ नहीं देखूंगा। तबर्रा डे है, तबर्रा डे है, हमारा भी एक दिन है तबर्रा डे। दो माह आठ दिन जो हम मनाए हैं, नौ रबी अव्वल को हुक्म इमाम थे, वो तबर्रा करेंगे, वो तबर्रा करेंगे कि इनकी माँ खबर में चीखेगी। और जिसकी समात तेज है वो सुनेगा, सुनेगा वो खिबला क्या चीख मार रही है। और सिर्फ इसकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही है, इसके दहन से नहीं, खिबला कई मुकाम से चीख मार रही है, दुरूद पढ़ो अभी से नहीं। आबिद साहब आप दुरूद पढ़िए जोर से, आप बहुत खामोश रहते हैं। क्योंकि जिक्र अली पे खुश हो रहे हैं और सुभान अल्लाह कर रहे हैं, इसलिए दुआ कर रहा हूँ। हाँ, इस पे बाकी रहना है तो दुआ बाकी रहेगी। हाँ, इनकंडीशनल साथ है दुआ, विदाउट कंडीशन नहीं, कंडीशनल बल्कि नॉट इज कंडीशन। कंडीशन ये है कि अगर आप इकरार वलायत और इश्क अली पर बाकी है तो ये मेरी दुआ का सिलसिला तक क़यामत है। और जिस वक्त आप अली के ताल्लुक से जरा बराबर भी सोचे, दुआ खत्म हो गई, वहां से अब जाना वासिल होंगे। वासिल हो गए कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब इल्मुल किताब। तो काफी है, एक मैं आ रहा हूँ, एक उसको ला रहा हूँ, वेल में किताब में कौन है? वेल में किताब अर रहमान। कुछ कह दिया, काश के पहुंच जाते होते आप हजरत, वक्त कहते अर रहमान अल्लमल
खलखल ओहो रहमान वो है जिसने दिल में खुलकफा बिल्लाह शहीदम बैनी वो बैनकुम वमन इन्दहु इल्म देने वाला इल्म इल्म जो देता है वो इल्म लेता नहीं बोलो आदम कितनी है तुम्हारे में इस्तेदाद ले लो मूसा आओ बेटा आओ 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 इल्म ले लो बाबा बाबा इल्म ले लो उल अजमी को बाकी रख लो उल अजमी को बाकी रख लो देखने की ख्वाहिश मत करो मैं दिखने वाली चीज नहीं हूँ देखने की ख्वाहिश मत करो सिर्फ इल्म को ले लो कितना ख्वाहिश के ये उलूल अज़्म पैगंबर अली से कहते या अली ज़र्फ़ को बढ़ा कर दो मैं कैसे करते वहां खुदा पूछा रस्तो पे रब्बे को सो रहे थे पूछा रस्तो पे रब्बे को तो रसूल खुदा फौरन आगे बढ़े भला भला मैं कबूल कर रहा हूँ जैसे वो पहले हाँ बोले अल्लाह अल्लाह तय कर दिया कि नहीं अब दो नहीं रहेंगे खातम भी ये करेगा क्या होगा खातम एक ही हुआ तो चुनाचे अब खुदावंद आलम ने तय किया या मेरे काम तुम ही से लूंगा क्योंकि जो अलस्तो बे रब्बकुम कह रहा था तुम उसको रब माने दो काफी है दो काफी है रिसालत के लिए बाद वाली चीज है रिसालत बाद वाली चीज बाद में बाद में क्या है बाद में है अल्लाह कल वालिदे अल्लाम वालिदे अल्लाम की तकरीर मेरे बच्चे ने डाली दो चार जुमले सुना मतलब रोक दो बेटा दे दिया एक टुकड़ा मैं इस पर तकरीर कर लूँगा क्योंकि आलिम के दहन के निकले हुए जुमले एक जुमला भी समंदर होता है अगर आलिम बोले अरे क्या बात लीजिए वालिद अल्लाम ने मन अरफ नफ्सो मुराद क्या है अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ मन अरफ नफ्सो तो भाई मेरे रब का मेरे नफ्स का तर्जुमा है ये तर्जुमा है क्या है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा है ये तर्जुमे से काम नहीं करने चलने वाला है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जी नहीं अल्लाह के नाम से नहीं माना से शुरू होना है तर्जुमा से काम चलने वाला नहीं है इंशाल्लाह ताला पढ़ूंगा कभी किसी मुकाम पर बताऊंगा कि वालिद अल्लाह ने खौले मासूम पेश किया कहता है मन अरफा नफ्सो फखर अरफा रब्बो से मुराद क्या है क्यों कहा गया कि मन अरफा नफ्सो वो चुनाचे जो आलमे उमे जाहिर हुआ उसको खातम कहते क्या कह रहा खातिम बिल्कुल बिल्कुल नहरों से आ जाना मैं हु का जिक्र कर रहा हूँ एक बना रहा था एक बन रहा था बनता है अब बनाता है माबूद
उस पर पिछला के मखलूक है जिसका नाम है नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद मुस्तफा अब्द है तो पता चला आलमे हू बनाए अब्द है सुन लो यार आलमे हू बनाए अब्द है हाय हाय मुझे लुत्फ आ रहा है तुम क्यों कि इसके मानी और मतालिब मेरे बातिन में इसलिए मैं पहले लुत्फ ले रहा हूं अल्लाह अकबर समंदर में जब बह जाता है पहले उसका लुत्फ समंदर लेता है और मौज में जाने वाला बाद में लेता है उसे पता चलता है कि मौज किसे कहते हैं मौज किसे कहते हैं तो इसी तरह आलमे हू क्या है आलमे हू मुकाम में अब्दियत है मैं वादे करूंगा जैसे ही आलमे हू में अव्वल मखलूक जाहिर होगी फौरन सजदा की होगी अगर वो आलम आलमे मखलूक ना होता तो मखलूक अव्वल सजदा ना करती सजदे का आलम हू का है जैसे ही सजदा की सजदे से सर उठाकर करी पा लिया अच्छा तो पता चला आलम हू पाने का मुकाम एक एक लफ्ज बादशाह का है आलम हू पाने का मुकाम वही आलम हू दुआ का मुकाम दुआ का मुकाम है सजदे के बाद खुदा कहता है कुछ मांगो सजदे के बाद खुदा कहता है कुछ मांग लो यानी क्या मांग रहे हैं बना ले अब जैसा अच्छा तो पता चला पहले अब था बना ले जैसा कि तू चाहता है चुनाचे उसी आलम में खुदा बंदे आलम ने उसके बातिन में इमामत को रखा अब मेरी दाद पर नहीं क्यों कि मेरा मकसद पूरा होगा अब तेरी ख्वाहिश की बुनियाद पर खजाने को जाहिर किया खजाने को जाहिर किया हूं जो तुम्हारे बातिन में रखा हूं खजाने के आरिफ हो जाओ बस काफी है यहाँ रुक देना मैं बेहतरी है मेरी बेहतरी
मेरी बेहतरी, मेरी सलामती यहाँ रोक देना है, रोक देना चाहिए, वरना भी सारी मेहनत मेरी रायगा चली जाएगी और अजान भी मुकम्मल लेंगे, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर रुक जाऊँ, शहादत देता हूँ यानी देंगे शहादत, मेराज में जाकर देंगे, रसूल खुदा जो दे रहे हैं वो सुनेंगे, शहादत लिज़्ज़त ही नहीं होती, ये गैर ही होती है। अपनी जात के लिए नहीं होती शहादत, गैर ही होती है। अशहद अल्ला इलाहा यानी शहादत देता हूँ, किसी और के लिए दे रहे हो, अजान को समझ चंदू, अजान नहीं समझा बड़े बड़े बातें करने जा रहा है, तशहुद में अली वलीउल्लाह क्या है सवाल है, बड़ा अजीब होकर, अरे बेटे पहले अल्लाह अकबर समझ, अगर उसमें अली नहीं है तो वो अल्लाह अकबर नहीं है, में अली नहीं है तो वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह में अगर अली नहीं है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं है, हय्यालत सलाम में अगर अली नहीं है तो अली, हय्यालत सलाम में अगर अली नहीं है तो वो हय्यालत सलाम नहीं है, हय्यालत फला में अगर अली नहीं है तो वो फला नहीं है, अमल में अगर अली नहीं है तो वो खैर अमल नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, फिर अल्लाह अकबर में अगर अली नहीं है, दो वक्त नहीं बोलेंगे, दो वक्त अली की शहादत देंगे, दो वक्त तशहुद में दो वक्त दे देंगे, दो रकत के बाद फिर चौथी रकत में दो वक्त अली नहीं देंगे शहादत नहीं देंगे, छमत दो, अल्लाह ने कहा ठहरो, जाहिर में अल्लाह अकबर रखूंगा बाकी में अली अकबर अच्छा ये बताओ जब अजान देते हैं या खामा देते हैं अल्लाहु अकबर के बाद, बोलो भाई मुझे नहीं मालूम मैं नमाज नहीं पढ़ता, लिख लो लिख लो लिख लो, टेलीकास्ट करो, जमीन माँ निकालो, क्या क्या करते हैं करो, यहाँ कोई सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है, आपकी सेहत खराब होगी, इधर छेड़े उधर सेहत खराब होगी, छेड़ो मुझे देखो उसके बाद से मैं छोड़ता नहीं, क्या बोला अल्लाह अकबर के बाद वो जले जला लोग बोलने के वक्त बोलेंगे भाई शदवान, अच्छा अजान खत्म कर दो, जरा काय पे खत्म हो रही है, वहां पे शदवान ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां पे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या माशाल्लाह, ओ पेशानी तो पूरी काली हो गई, अच्छा खासा अल्लाह चेहरा दिया था, क्यों बोले अगर अली का नाम अजान में आया तो अजान बातिल क्यों बोले, तो इसीलिए माँ बाप के चेहरे को देख रहे हैं, चेहरे पर जो दाग उठा है बदनुमा, वो दाग में मम्मी के गुनाह है नजर, अरे रोक सर रोक, नहीं गठा नहीं आएगा, गठा आने के लिए सर तेरे पर वो सर फिरा रहा, और अगर नुस्खा दो ठीकरी गरम करो बबुल में डालो, ठीकरी बबुल में डालो, उसके बाद ठीकरी लेकर यहाँ से को थोड़े दिन में निशान, ओहो क्या
तो पहले पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे क्यों? पहले मारिफत है, बाद में नमाज, पहले समझना है। वो बेसमझी नमाज नहीं होना, क्या करने, वरना वो मंजर ही काफी है, उसी में लुत्फ लेते रहेंगे। पढ़ तो नहीं सकते वैसे जैसे रसूल खुदा पढ़े, वो मंजर देख कर तो लुत्फ ले सकते हैं। ठहर गए, उस शाख ठहरे हुए हैं, बड़ा अच्छा मंजर है। हाय 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 हाय, क्या मंजर है, नबूवत झुकी हुई है। इमामत बैठी हुई ठाड़ से बैठी हुई, या रसूल अल्लाह जिक्र क्या हो रहा है, सुभान अल्लाह है या सुभान रब्बी अल आला है। अब जो हुसैन के आने के बाद सुभान अल्लाह और सुभान रब्बी अल आला कर रहे हैं, ये किसके लिए है? पूछेंगे समझेंगे तो बाद में पढ़ेंगे ना। अरे पर पूछने तो दो, हुसैन के आने के बाद जो नमाज हो रही है वैसी तो हम पढ़ नहीं सकते। हम पढ़ सकते हैं? नहीं, खुदा की कसम, अगर ये दिल इमामुल जसद ना होता तो इसमें अली ना आता। इमामुल जसद है और फाजिले तीनत से बना, उसकी बुनियाद पर आया। हमें का कुव्वत इतनी, नबी का काम है इमाम को उठाना, तो फाजिल तीनत से बना है, शुक्रिया अदा करें, उसका सजदा कर रहे हैं हम, उसका सजदा कर रहे हैं कि हमारा खल फाजिल तीनत से बना है, जिसके बाद इसमें अल्लाह वली है। उसका सजदा करने के लिए सजदे से तो फुर्सत मिलेगा। देखने अच्छा मंजर है, छोड़कर अब आप बोल रहे नमाज पढ़ने जाओ। अरे बैठहरो भाई, वो मंजर को तो देखने दो, बड़ा सुहाना मंजर है, ऐसा मंजर बार बार देखने में नहीं आता, इतना अच्छा मंजर है। जो जो उधर बैठता है आज पुष्प पर बैठ गया, सब बेदार हैं, कुछ सो रहे हैं, जरा बाजू वाले उठाना, अगर कुछ सो गए हैं तो इतनी आवाजों के बावजूद अगर रोंग रहे हैं तो हैरत है, हैं? तभी क्या उठेंगे सला तो खैर मिन नो ये आप लोगों की वजह से लाउड स्पीकर आया मस्जिद में, बड़ा अच्छा खासा बिलाल बगैर लाउड स्पीकर के अजान देता था, महफिल में सोने की वजह से मस्जिद के बूढ़े पुकारने लगे, लाउड स्पीकर में पुकार रहे हैं सबको उठाने के लिए, नहीं उठना है तो भी उठो। सोबेदार है ना, या मौला क्या कह रहा था, बिलाल हो गया, खिलाल हो गया, सब हो गया। मंजर अच्छा है, उस पर हुसैन नहीं, मंजर अच्छा है उस पर हुसैन है, हुसैन है पुष्प पर, इमामत है, इमामत है, अल्लाह की इमामत है, इसीलिए जो शिताबत नहीं भाई। बात यह है कि ये अखबारी जितने हैं तो अली को ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए ये लोग मुबालगे के लफ्ज़ से नाशना है, जब लफ्ज़ से नाशना है तो मुबालगे के माने क्या मालूम होंगे, मुबालगा उनको सुनाना अजी को तो हमको अजी अजी करते हैं,
आओ अजी नाम नहीं ले सकते हमारा निकामे से निकल जाते बोला सलामत रखे दिल आप रख रहे हैं तबर्रा मैं कर रहा हूँ करना किसको चाहिए दिल वालों का काम है तबर्रा करना जो दिल रखता है वो तबर्रा करता है तबर्रा करने की खातिर अल्लाह ने अली को खलबुल्ला कहा अल्लाह भी दिल वाला हुआ जब दिल वाला हुआ तो कुरान में कह दिया यलअनहुमुल्लाह लानत करने वालों के साथ मैं भी यार था जो दिल वालों का काम है अरे इस दिन की खातिर तो अली को खलबुल्ला बोला चलो बस है काफी है ना मंजर अच्छा है बाखी दलील जहमत तमाम कल भी है ना मजलिस कहाँ है कल कल अच्छा संख्या सर पर है चले ठीक है देखेंगे संख्या सर असंख्य सर है फिर नौ के दिन भी मजलिसें हैं तीन मजलिसें हैं तीन में से मुझे दो किताबत आई है अभी एक की नहीं आई एक की नहीं आई दो किताबत आई अभी आपका मिला के बोल रहा हूँ भाई दो किताबत आ गई है अभी एक नहीं आई दो तो है एक तो मल्लेपल्ली में आना जरूर आना मुझे कहना है शिरकत करिए अगर नमाज तहज्जुद का वक्त भी हो जाए तो हाँ वही पढ़ लेंगे हाँ वहाँ पढ़ेंगे हम मुफ्तियों को बताएंगे हमारी नमाज देख जरा इबादत खाने के लाएंगे मस्जिद जाफरी से लाएंगे सबको लाएंगे ठहरो सब बना कर ठहरो आखिर नहीं तहज्जुद कैसे किसे तहज्जुद की दुआई दे रहा तहज्जुद कहते हम जो करें वो है कमर तो हम कर दें वो है अलम क्यों अमल क्योंकि हम अखबारी है तो मंजर बड़ा प्यारा है बड़ा सुहाना है काबिल दीद है दिल को ये चाह रहा है कि यही मंजर हुसैन दिल से दुआ करिए दुआ नहीं करिए हुसैन मत उठो मत उठो मत उठो हुसैन मगर नबूवत को छोड़ कर और कहते हैं देखे देखे इनकी ख्वाहिश देखो कितनी ख्वाहिश देखो नबूवत को छुपा नहीं मुखसरीन को चलाने का मुखसरीन जलता है मुखसरीन के दम निकलते हैं हार्ट फेल होता है रसूलल्लाह की तौहीन हो गई बिठा कर फख्र महसूस कर रहे तौहीन उसको हो रही है जिसका शुमार फौसला में भी नहीं है फौसला में भी नहीं है वो चुनाचे बड़ा अच्छा मंदिर है दुआ मुमिनीन दुआ कर रहे हैं तमाम अंबारी दुआ कर रहे हैं मेरे आका हुसैन मेरे मालिक मेरे ये तो सरदार मेरे रब मत उठो बड़ा अच्छा मंदिर दिख रहा है बड़ा अच्छा मंदिर दिख रहा है तो आवाज आ रही है फिर तुम नमाज नहीं पड़ेगा नमाजी तो हो रही है नमाज भी है तो नमाज हो रही है क्या नमाज नहीं हो रही है बेनमाजी कर रहा है नमाज पढ़ो कर रहा है नमाज पढ़ो अच्छा मंदिर है बड़ा अच्छा है सुहाना मंदिर है जा रहा है हुसैन उठ गए मगर एक और के मंदिर देखने में आया पीछे जो थे उतरे या नहीं उतरे उठे या नहीं उठे नहीं है अब पूरे मुसल्लियों की निगाह नबी पे नहीं है निगाह इमाम पर है
नमाज रही ही गई, नमाज रही ही गई, देख रहे हैं दूसरों का ख्याल ना नहीं पाए। रसूल खुदा अगर किसी और का ख्याल करते तो नमाज बाती होती। हुसैन के अलावा अगर किसी और का ख्याल होता तो पैगंबर इस्लाम की नमाज बातिल हो जाती। उठे रकत में कितने सजदे, वहां कितने हुए, कितने हुए, काउंट है। उठ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर सजदा कर रहे हैं, हो रहा है। जवाब देना, वो जो सजते थे ताबूती थे या ताजिमी? हमसे कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, यहां पर सर नहीं झुकाना, चुप चुप अदब है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बेदबी है। अगर वैसे बोल रहे हैं, मुझे अब सिखाने निकले? नहीं नहीं, आपका जो लहजा है वो लहजे की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। वो अल्लाह का कलमा क्यों पढ़े जो गदीर में लहजा बदला? कुरान में मौजूद है ना, लहजा बदला, लहजा बदला, बदलने की क्या जरूरत थी? या योर, यहीं से आगाज है ना, तो ये आगाज ही में क्यों हुआ? क्या रसूल खुदा पहले कहना था हबीब ऐलान कर दीजिए ना प्लीज? नहीं है वहां प्लीज, नहीं है एक्सक्यूज मी भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां, लेसन नहीं है, डायरेक्ट या योर रसूल है। अब हमको सिखाने निकले हैं? नहीं नहीं, लोग आपको सुनना चाह रहे, मत सुनो। सुनना क्यों चाह रहे ये बोलो, अब वाकिफ है कि मेरा लहजा बुरा है तो फिर सुनना क्यों चाह रहे? पता चला मैं वो बातें करता हूँ जो आपके पसंदीदा जाकिरी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते। शिर्क में जिक्र नहीं होता, शरीक कर दे तो खुदा का जिक्र नहीं होता। दुरुस्त तो वहां इतने मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात, कितने देर हुई बेटा? घंटा 34 मिनट, अल्लाह अकबर, चले बस है, इन आउट नहीं करना। अल्लाह दो कान दिया, इन अब नो इन, इन दोनों यहां पर इन करो, यहां से आउट होगा, यहां से आउट करना, पहले यहां इन करो। साहिरा मस्जिद में सवाल किया, या अल्लाह जो भी था खैरात किसने की? अली ने की। रसूल खुदा क्या कर रहे थे? पढ़ लेते, आगे थे पीछे थे? आगे थे। अली किधर थे? पीछे थे। अल्लाह पीछे था? क्योंकि साहिल का सवाल अल्लाह से है तो पीछे वाला दिया। क्या क्या बात है, अभी कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, मैं दलील दे रहा हूँ, नमाज खत्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल खुदा। फौरन पलटे, फौरन पलट कर अली में देख लिया, देखने चाहिए, गुरबत निलल्ला था।
واقعہ سنایا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ رسول خدا گرچہ کے آگے بھی ہیں تو پیچھے کی خبر ہے. اتنا بس اس واقعے سے یہ لینا تھا مجھے. ان شاء اللہ پھر پڑھیں گے اس کے اوپر. پلٹ کر پوچھنا, گفتگو کرنا, یہ نماز پڑھ لیتے یا علی کی طرف دیتے, جو بھی وہ بعد میں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس واقعے سے مجھے یہی جز لینا تھا. پیچھے بھی دیکھ رہے تھے ادھر پشت پر حسین ہے, مقتدی ہے, سر اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں. تو رسول خدا دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. علم تھا کہ کتنے سجدے ہو رہے ہیں. رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں, ٹھیک درست, رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں, یہاں بے حساب سجدے ہو رہے ہیں. قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم. اب رسول خدا کا کام تھا نماز تمام کرنے کے بعد, دیکھو تم لوگ پھر نماز پڑھ لو کیونکہ وہ سجدے کیے. بولے تو بتاؤ نا, ارے کوئی کتاب, آپ تو کتاب کی دعائی دیتے ہیں, لاؤ بتاؤ کوئی کتاب میں ہے کہ رسول خدا نے پلٹ کر کہا کہ دیکھو رکعت میں صرف دو سجدے ہوتے ہیں, تم لوگ کئی سجدے کر لیے, لہذا پھر سے نماز پڑھو. ہے نہیں ہے؟ پھر وہ نماز ہوئی. کیسا ہوئی؟ دلیل بھی دیا ہوں. قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم حجت ہے. تقریر معصوم خاموشی حجت ہے. پتا چلا جب نبوت کے ساتھ امامت مل جاتی ہے تو وہاں سجدے ہونا چاہیے. حسینی ہے کون, کس کی اطاعت میں ہے؟ نبی اطاعت حسین میں ہے. نبی اطاعت حسین میں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں روا روی میں نہیں ہے جملہ, ہاں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. نبی اطاعت حسین میں ہے, بحکم خدا. خدا کا حکم ہے سر نے اٹھانا اس وقت تک. اب وہاں سے نبوت حسین کی اطاعت, اب میری نماز تمہارے اختیارات میں, میری نماز تمہارے اختیارات میں. صاحب منصب نے بتا دیا عظمت حسین کیا. کربلا میں عباس نے بتایا عظمت حسین کیا ہے. مخاطب گواہ ہے, یہی ملا ہمیشہ عباس حسین کے پیچھے ہو رہے, پیچھے آگے نہیں, بازو نہیں, پیچھے. عمل کیا ہوتا؟ عمل جہاں حسین کا قدم وہاں کی خاک اٹھاتے اپنے سر پر جب میں نالین کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. عباس سے درس لو. عباس بتا رہے ہیں ان کے قدموں تلے اگر کوئی خاک آ جائے تو خاک کھاؤ. اللہ اکبر. اطاعت کی منزل میں ہے عباس, مگر یہ دیکھا گیا کہ حسین کی اطاعت نبی کر رہے ہیں, مگر کربلا کے دشت میں یہی حسین ہے, یعنی حسین ہے. مطلب سکین آگے بڑھ کر کریں, بابا اتر جائیں گے, تھوڑے سے حسین اتر گئے, لیٹ جائیے. جو سکینہ کر رہے وہی عمل ظاہر ہو رہا ہے حسین سے.
वही अमल जाहिर हो रहा है हुसैन से अल्लाह अकबर भारत मत कर अल्लाह रे अजमत सकीना के सकीना हुसैन को घोड़े पर सोता लेट जाइए लेट गए। अब हुसैन अपनी मर्जी से सकीना को अपने सीने से जुदा नहीं कर रहे जैसे के नबी अपनी मर्जी से हुसैन को अपनी पुत्र से जुदा नहीं मर्जी से पुष्ट पर से उतरेंगे जहां करबला के दश्त में सकीना अपनी मर्जी से जब सकीना सीने से हटी का बाबा अब जाइए खुदा आप मगर देखा गया कि यही सकीना है एक मरतबा चचा पास का दामन थाम ली चचा पास का दामन थाम कर रही है चचा चचा मेरा भैया अली असगर प्यासा है प्यासी सकीना कह रही सकीना खुद प्यासी है मगर कह रही है मेरा भैया अली असगर प्यासा है हाय खैमा में बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं बल्कि सकीना ने मशकली अपने चचा के हवाले कर चचा पानी लेकर आइए वाह मोहम्मद हवाल के लतना से रा आजा दारा ने मजलूम करबला चले पास श्री मसाहिब ने फरमा दो चार जुमले और जरा को तमाम कर ला इतना जहन में रहे कि हजरत अब्बास के अलम मुबारक की सवारी बरामद होने वाली है ये जहन में रहे जब अब्बास खैमों से निकले जब अब्बास खैमे के बाहर आए तो खैमों में कोहराम बरपा हुआ था कैसा कोहराम था कैसा कोहराम था हजरत हुसैन अब्बास को रुखसत किए हैं मगर देखा ये गया कि हुसैन अब्बास के पीछे पीछे जा रहा है जैसे कि अली अकबर को रुखसत करने के बाद अली अकबर के पीछे अल्लाहु अकबर बड़ा अजीब गरीब मंजर था तो हुसैन पीछे पीछे जा रहे थे साथ में कमर को हाथों से थाम लिए पीछे पीछे जा रहे एक मर्तबा हुसैन का अब्बास जैसे ही आवाज बुलंद हुई अब्बास पलट कर देखे फौरन घोड़े से उसे आखा आप कैसे अब्बास दिल जा रहा थे बार में लोग अब्बास दिल जाता है तेरे बार में लोग हजारदारा ने मजलूम कर बला दोनों भाई हाथ आगे बढ़ाए दोनों भाई उधर से अब्बास ने भी हाथ फैलाया इधर से हुसैन ने भी हाथ फैलाया ये मंजर खैमे से सैनब देख रही है सकीना पर तीर चला पानी बह गया आखिरी जुमले में मतमा ये जहर में रहे जब हुसैन ने चाहा कि अब्बास से मुलाकात करूं तो दोनों भाई हाथ फैलाए थे ये जहर में रहे हाय अब्बास घोड़े से जमीन पर आ गए आवाज दी अखा मेरा सलाम लीजिए हुसैन चले वो मंजिल आई घोड़ा एक मुकाम पर रुक
सुने से मत करा।